17 सितंबर से पित्त पक्ष की शुरुआत हो रही है जो कि 2 अक्टूबर तक चलेगी। इन दिनों अगर पितरों की प्रसन्नता चाहते हैं तो कुछ मंत्र बताए गए हैं जिनका जाप करने से पितर प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं वह मंत्र। वागर्ता पित संपत्तौ वागर्ता प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। सनातन धर्म में पितरों के लिए एक विशेष पक्ष का निर्माण किया गया है जिसे हम पितृ पक्ष कहते हैं, श्राद्ध पक्ष कहते हैं। श्राद्ध पक्ष जो है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इस बार हम सबको प्राप्त हो रहा है। इसमें हम सब अपने पितरों का स्मरण करें, पितरों को प्रसन्न करने के लिए उन्हें जलांजलि का दान करें। श्राद्ध आदि जो कर्म हमारे दैनिक जीवन में जिसकी जो तिथि है उस नियत तिथि पर उनको श्राद्ध दें। कागग्रास, गौग्रास, श्वानग्रास और अतिथि का ग्रास, 4 प्रकार के ग्रास निकालें और नित्य जल का दान करें। जो जलांजलि अर्पण करते हैं उनके लिए पितृ सदा प्रसन्न रहते हैं। अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए 16 दिन तक रोज पीपल के वृक्ष में जल का दान करें, क्योंकि पीपल में सभी पितरों का वास होता है। भगवान शिव जी को भी जल दूध अर्पण करें। भगवान शिव सभी के पितृ हैं और पितरों को प्रसन्न करने के लिए ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृदेवाय विद्महे जगद्धारिणे च धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्। पितृ गायत्री का भी आप जाप कर सकते हैं, उनका स्मरण कर सकते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए नित्य पितरों के लिए सफेद पुष्प भगवान शिव जी को पीपल पे, या कोई पितरों का भगवान नारायण का कोई मंदिर हो वहां पर अर्पण करें। इस प्रकार से पितरों को जो प्रसन्न करता है उसके जीवन में से नकारात्मकता दूर होती है, सकारात्मक भाव से प्राप्त होते हैं और उसके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होता है। जय श्री कृष्ण।